प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौके से पुलिस को 7 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। इसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का भी जिक्र है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि सोमवार को प्रयागराज के अपने मठ में नरेंद्र गिरी का शव मिला था। वह फांसी पर लटके हुए थे। पुलिस अभी इस मामले की जांच एक आत्महत्या के मामले के तौर पर कर रही है। वहीं अब पूरे इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराने की मांग उठने लगी है। सोमवार को नरेंद्र गिरी की मौत हुई। अब प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है। इस एफआईआर में नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का भी नाम दर्ज है। आनंद गिरी पर नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। सुसाइड नोट के आधार पर ही इन तीन लोगों पर सबसे पहला शक गया है और अब पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि खुद को घुमंतु योगी बताने वाले स्वामी आनंद गिरी पहले भी विवादों में रहे। इस वजह से वे हमेशा सुर्खियों में रहे। चाहे लग्जरी गाड़ियों का उनका शौक हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तारी। छोटे महाराज के रूप में विख्यात योग गुरु स्वामी आनंद गिरी लग्जरी लाइफ जीते हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे मोबाइल रखना, कीमती कपड़े पहनना उनका शौक है। स्वामी आनंद गिरी चमचमाती कारों और बुलेट बाइक का भी शौक रखते हैं। माघ मेला में अक्सर उन्हें बुलेट की सवारी करते हुए देखा जाता था। हाथों में एप्पल कंपनियों के दो दो मोबाइल होते थे। वे पहनते भगवा कपड़ा है, लेकिन उसकी कीमत भी हजारों में होती है।